जय माता दी। आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का दूसरा व तीसरा अध्याय। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी दधानाकर पद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नूतमा। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अविष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस दिन इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। भगवती की महिमा और मधु कैटप का वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटप को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उनकी देवी महाकाली की मैं स्तुति करती। वे अपने दसों हाथों में खड़ंग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, प्रीत, शूल, भूषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो आठवें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सवारोषिज मनवंत्र में चैत्र वंश में सूरथ नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विद्वंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विद्वंशियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विद्वंशी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे। परंतु कोला विद्वंशियों ने यहाँ भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोश आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरे समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता रहा और आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का मैंने पालन पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल में पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छीन गया है। मेरे ही नौकर जाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा पालते होंगे।
मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकाग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है, मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं सजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे सजनों का क्या हाल होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे सजन किस अवस्था में रह रहे होंगे, वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र स्त्री और संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी समय विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। पर ठीक है, मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं हैं, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों को ही चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो पितृकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं, पुत्र पौत्र का उनका भरण पोषण ना भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है, वहीं देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। वही उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है,
वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सुरथ बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष संया पर सो रहे थे, तब मधुकैटम नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उसमें भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। यह योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम्ही स्वदा हो, तुम्ही स्वदा हो, तुम्ही स्वाह हो, तुम्ही वटस्कार हो, स्वर हो, हे देवी तुम्ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में अ उ म इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता वह भी तुम ही हो। हे देवी तुम्ही शंदा हो, तुम्ही सावित्री हो, और हे देवी तुम्ही इस संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो, संसार का पालन भी तुम्ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम्ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो सहती रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त सराचर के तीनों गुण सत्व रज और तम के उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी तुम ही कालरात्रि, महारात्रि और दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी और प्रीत धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्ही सौम्य एवं सौम्यांतर हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष अत्यंत सुंदर हो। हे देवी अपर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य असत्य वस्तुएं हैं उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है? ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब मैंने तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी मुझे भगवान विष्णु को और भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है? हे देवी तुम अपने उदार प्रभाव के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी यह मधु और कैटब दोनों दुर्घस राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधुर कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन
मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष संज्ञा से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि के लिए, तुम हमारी वीरता से संतुष्ट हो, तुम हमसे कोई बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है, ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपने जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनो। देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उसमें राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हुई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। वह स्वयं भी सबका अधिपति बन गया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सब जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में प्रीणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों सतन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंगा एवं अरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीन नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों गोहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया।
इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने सूर्य देवी के समस्त रोमकुद्रों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कर्णों के लिए दिव्य कुंडल तक कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्ध चंद्रबाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हसली प्रदान की, उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी ना मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें समुद्र कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्ठास से पृथ्वी कांपने लगी। यह गौर गर्जना कहीं समा ना सकी। समस्त लोक शोभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाणी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहाँ पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोध से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्र भुजाओं सब दिशाओं में फैला रखी है। देवी के राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से संकित सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गिणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उग्रवान नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहानु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और 80 लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध में करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडलाक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। नए राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर बिंदीपाल शक्ति मूशल परशु खंग आदि शस्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियाँ और पाश फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा और दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध से भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े शंख बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज़ से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला।
देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए, कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के दो टुकड़े कर दिए, कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए, कुछ दैत्यों की एक भुजा एक आंख और एक टांग काट कर देवी ने उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार शक्तियां सृष्टि और शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी हाथी घोड़े एवं राक्षसों की लाखों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर डाला मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन भी सिंह में भयंकर आवाज करता हुआ और अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। जय माता दी। अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्सुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरु पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष और ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष रथ घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल और तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों मुख और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वासपाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य उग्र वीर्य महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया।
दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुख के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर और कुछ गणों को सिंगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस पर बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सिंगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसे तलवार ढाल सहित बीन डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल वीर्य और मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे नहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब हम करते चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब प्राकर्मे दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवता और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो
और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतन्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन करते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्राप्राकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतन्य महाज्ञान सब रूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मनुजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद यजुर्वेद की और उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो, दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का आभुत्य होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है, यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है। जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों और संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आहत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दृढ़ता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने अस्त्रों और शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका यही कारण था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं।
हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के संदर्श आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले, राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें सर्वलोक में स्थान दिया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है और उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो, हे अंबिके तलवार से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खंड शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों के द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मर गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए और अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए उसको ध्यान से सुनिए। जय माता दी। अगली कथा हम कल करेंगे। जय माता दी।